वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ की स्थापना 23 सितंबर 1951 को रोम, इटली में हुई थी। इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ WFD द्वारा 1958 में शुरू किया गया था। यह रोम में शुरू हुआ और सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया गया। इस साल यह 20 सितंबर से 26 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस सप्ताह का विषय है सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डेफ कम्युनिटीज। हर देश की अपनी संस्कृति और अपनी सांकेतिक भाषा होती है। भारत में भी हमारी अपनी सांकेतिक भाषा है। इसके बावजूद कर्णबधिर समुदाय एकजुट और मजबूत है। वर्षों से समुदाय बढ़ रहा है। प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कर्णबधिर विशेषज्ञ है। समुदाय फल फूल रहा है और बहुत सारे नए संकेत हैं। यह कर्णबधिर लोगों के लिए उत्सव का एक महत्वपूर्ण सप्ताह है। WFD ने इस सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए एक विशेष थीम बनाई है। बीस सितंबर की थीम कर्णबधिर इतिहास को संजोना है। कर्णबधिर समुदाय और सांकेतिक भाषा सैकड़ों वर्षों से मौजूद है और हमारे इतिहास का हिस्सा रहे हैं। कर्णबधिर इतिहास में संघों द्वारा मजबूत पक्ष पोषण शामिल है और इसमें लगातार वृद्धि हुई है। हमारी एकता ने कर्णबधिर समुदाय को मजबूत किया है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। कर्णबधिर समुदाय में कोडा, सोडा और सुनने वाले सहयोगी भी शामिल है, जिन्होंने हमारे पक्ष पोषण में सहायता की। इन सभी सदस्यों के निरंतर समर्थन ने समुदाय को फलने फूलने में मदद की है। हमें अपने इतिहास और अपनी सांकेतिक भाषा के विकास को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। कर्णबधिर संघों और सामाजिक सभाओं द्वारा वर्षों से सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता रहा है। अपने कर्णबधिर और सुनने वाले दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों को जरूर बताइए कि कर्णबधिरों का भी बहुत समृद्ध इतिहास है। भारत में कई पुराने कर्णबधिर संघ अभी भी सक्रिय है और पक्ष पोषित कर रहे हैं। पुराने कर्णबधिर स्कूल भी है जो पूरे भारत में फले फूले और समुदाय को बढ़ाने में मदद की। कर्णबधिर व्यक्तियों की सफलता ने भारत को गौरवान्वित किया है।